बहुत तकलीफ होती है। जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो क्या हाल चले दोस्तों, आ गए एक और निक कमाल की डुओ कॉन्करर पुश की गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और हम काफ़ी दूर आए थे लिपोप का, कम से कम 1600-1700 मीटर दूर था। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी टीम उतर जाती है और काफ़ी बंदे आ जाते रैंक पुश वाले। तो अब देखो मैं यहाँ पे मरते मरते बचाऊँ। तो यहाँ पे मैं जैसे तैसे माइनस खाने से तो बच गया। उसके बाद यहाँ पे मैं रोकता हूँ और लूटता हूँ, तभी यहाँ पे पता चलता है मेरा टीममेट मर गया और नॉक फिनिश साथ ही हो गया। तो मैं एक नॉक निकालता हूँ और साथ ही एक बम फेंक देता हूँ ताकि एक और टीपीपी अगर ले रहा हो तो वहाँ से हट जाए या तो हो तो नॉक हो जाए। तो मैं तुरंत ही इन पर रश कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं बम फेंक चुका था और वो अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था, तो उसको मारना काफ़ी ईजी था मेरे लिए। तो आराम से इसको मार दिया और इनको मारने के बाद थोड़ा लूटता हूँ और तो खास बंदे थे नहीं यहाँ पे। तो अब मेरा टीममेट मर गया था, तो अब मैं सोच रहा था क्या ही खेलूँ अकेले। तो मैं यहाँ से रश करना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि अब अकेले उतना मज़ा भी नहीं आता। तो खैर आप अगर रैंक पुश कर रहे हो तो रैंक पुश करते रहना। तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि हमारा काफ़ी लो टायर से हम रैंक पुश स्टार्ट किए, तो टाइम भी लग जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक बोट सा बंदा दिखता है, बोटी होता है, तो फिलहाल उसको मैं मार देता हूँ। और इसको मारने के बाद मैं लूटता हूँ इससे, और लूटने के बाद मैं चला जाता हूँ प्रिजन के साइड। और यहाँ पे आने के बाद मैं पहले चेक करता हूँ कि यहाँ पे है तो नहीं कोई। तो फिलहाल तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है और पता ही नहीं क्या कर रहा था वो। तो उसको देखो मतलब कैसे मारता हूँ मैं। तो इसको मारने के बाद मैं यहाँ से निकलने वाला था, तभी यहाँ पे मेरे को कुछ साउंड आता है कि कोई बोट वगैरह आता है, लेकिन वो बोट नहीं होता। तो अब देखो मतलब उसको मैं कैसे मारता हूँ। तो जिसको भी लगा होगा ये जंप शॉट अच्छा, तो एक सब्सक्राइब कर सकता है। और इसको भी आराम से इजी मार दिया, और साथ ही यहाँ पे जो भी इसका लूट था तो मैं लूट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ स्कूल पे क्योंकि यहाँ पे मेरे को होल्ड करना था और जोन भी थोड़ा अभी बड़ा सा था। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे होल्ड करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक फुटप्रिंट आता है चलने का साउंड, तो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने के लिए रुकता हूँ, तभी वो बंदा जंप कर रहा होता, तो उसको आराम से मैं खूंटी पर लटका के हम लोग भेज देता हूँ। तो अब इसको मारने के बाद मैं अंदर थोड़ा लूटता हूँ, तभी यहाँ पे फिर से एक और किसी का साउंड आता है। तो अब देखो और ये तो खैर बोटी था, तो यहाँ पे कुछ ग्लिच हो गया था एमके के साथ, ऑटो पे भी सिंगल पे चल रहा था। तो इसको मारने के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ और कहीं सोचता हूँ होल्ड करूँ ताकि यहाँ पे जोन भी नहीं था और थोड़ा मेरा प्लस पॉइंट भी हो जाए। तो उसके बाद मैं जाता हूँ रोजक पे, और रोजक पे भी मतलब यहाँ पे भी जोन नहीं था, तो यहाँ से भी मैं निकल जाता हूँ। और ड्रॉप पे जा रहा हूँ तो तभी यहाँ पे एक व्हीकल दिखती है, तो अब देखो इनके साथ क्या होता है। तो ये टीम तो एकदम 2 सेकंड में यहाँ पे मारी गई। तो फिलहाल इनसे भी अच्छा खासा लूट था इनके पास, तो मैं इनकी लूट लेके अब सोचता हूँ कि मतलब कहाँ जाऊँ। और था भी मैं अकेले, तो लास्ट जोन में थोड़ा सर्वाइव करना भी दिक्कत था। तो उसके बाद मैं ऐसे निकल रहा था तो मेरा टीममेट बताता है कि यहाँ पे एक बंदा है, तो मैं आगे जाके अपनी गाड़ी को रोकता हूँ और उसको भी आराम से मार दूंगा। तो इसको भी मारने के बाद अब मैं सोच रहा था कहाँ मतलब होल्ड करूँ क्योंकि जोन भी बार बार आगे पीछे हो रहा था, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। जो मेरा टीममेट था वो बता रहा था यहाँ पे जा वहाँ पे जा, तो मैं उसकी बात पे जा रहा था कि एक अच्छी जगह मिल जाए। तो फिलहाल अब जोन में बचे थे 6 बंदे, और अब देखो मतलब अब मेरे पैदल आते आते यहाँ पे बचे बस 3 बंदे, जो कि मेरे को पता चल गए थे क्योंकि ये एक बंदे को मारे थे और यहाँ पे मैं मरते मरते बचा। तो अब यहाँ का फाइट आप इन्जॉय करना। अब मैं बार बार यहाँ से मतलब डैमेज खा रहा था, तो मैं दोनों साइड स्मोक कर देता हूँ ताकि एक साइड से मैं बच सकूँ, और जो वो लोग थे एक साइड से मतलब फ्लैंक कर देते हो। तो देखो मतलब उसको
क्या स्प्रे मारता हूँ मैं। तो सामने वाले टीम के एक बंदे को तो मैं नॉक कर दिया था, और ये टीम लोभी में मिली थी मेरे से और मेरा ही कपड़ा लेके खेल रही थी, तो मैं पहचान गया था। तो मैं उससे मजे थोड़ा लेना चाह रहा था और सोच रहा था पेन फाइट कर लेते हम, और मैं जंप भी करता हूँ, लेकिन वो टीम अप करने को राजी नहीं था। अब वो राजी था या नहीं था, मतलब वो मतलब एक लड़की थी जो कि ऑल पे बात की थी मेरे को लॉबी में मेरे से, तो यहाँ पे मतलब उसके टीममेट को मैं मार दिया था, तो वो टीम अप नहीं करना चाह रही थी और मैं उसको पहचान गया था। और जो उसका जो टीममेट था बंटी, तो बंटी भी अभी यहाँ पे अभी मरने वाले कुछ देर में। उसने मेरे को बम बार बार फेंकना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं भी अब सोच रहा था कि इसको ख़त्म करूँ, और मेरा टीममेट भी बोल रहा था कि मार दे अब, तो इसको भी इजी मारा। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ ही चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको इसी तरह की डुओ कॉन्करर पुशिंग की वीडियो मिलती रहे। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और थोड़ा इमोट उमोट करके दिखा देते हैं, मतलब